खबर है रायपुर की, जहां महकारा में विगत दिनों गर्भवती महिला से दुर्व्यवहार करने वाली महिला डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग पर छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद ने मेडिकल कॉलेज के डीन को ज्ञापन सौंपा। परिषद के प्रदेश संयोजक राहुल हरितवाल ने कहा कि पंडरी निवासी महिला प्रसव के लिए मेकारा आई थी। जांच के दौरान महिला डॉक्टर ने पीड़िता को थप्पड़ मार दिया। जी हां, महिला की चौथी डिलीवरी का पता चलने पर महिला डॉक्टर ने दुर्व्यवहार किया। राहुल हरितवाल ने कहा कि यह गलत बात है कि महिला की चौथी डिलीवरी का पता चलने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। महिला को निजी अस्पताल में डिलीवरी करवानी पड़ी। मेकारा छत्तीसगढ़ का अकेला अस्पताल है जहां पूरे प्रदेश के पीड़ित और रोगी इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी मिलेगा, लेकिन मेकारा से दुर्व्यवहार की घटनाएं निरंतर बाहर आती रहती हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। राहुल ने कहा कि पुलिस में शिकायत और नोटिस जारी होने के बाद भी डॉक्टर की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। ज्ञापन सौंपने के बाद डीन ने कहा कि डॉक्टर को ड्यूटी से हटा दिया गया है, हमने अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन लेने के बाद मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर आभा सिंह ने कहा कि कार्रवाई कभी एक तरफा नहीं होती है। पीड़ित ने शिकायत की है कि वहीं डॉक्टर से स्पष्टीकरण लिया है, विभाग की बैठक भी हुई है, इस मामले में कॉलेज की अनुशासन समिति इस संबंध में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि पीजी स्टूडेंट नौकरी पर नहीं होता, उसका चयन होता है, हम सिर्फ उनको ड्यूटी पर आने से मना कर सकते हैं। प्रसव के दौरान जांच, प्रसव के भर्ती के दौरान एक महिला डॉक्टर द्वारा सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया जाता है कि उसकी चौथी डिलीवरी है। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये किसी भी परिवार का व्यक्ति का, महिला का, पुरुष का निजी मामला होता है कि उसको कितनी डिलीवरी होनी है परिवारिक, पर चूंकि चौथी डिलीवरी है बोल के आप उसको थप्पड़ मार देंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको यहाँ से भगा दिया जाता है। महिला परेशान होकर यहाँ से जाती है और गरीब महिला एक प्राइवेट निजी अस्पताल में जाकर डिलीवरी कराती है और उसके द्वारा पुलिस प्रशासन में भी इसकी लिखित शिकायत की गई है और उनके समाज द्वारा भी यहाँ पर पुलिस को ज्ञापन दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत में, छत्तीसगढ़ शासन में, भारत सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कानून बना है कि चौथी डिलीवरी यहाँ पर अगर होती है तो मेकाहारा प्रशासन उस पर सहयोग नहीं करेगा या उपचार नहीं करेगा? क्योंकि मेकाहारा पूरे प्रदेश का एक इकलौता सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर सरगुजा से लेकर बस्तर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के चारों कोने से जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, वो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ पर हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य की हमको सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार एक आम नागरिक की तरह किया जाए। इस पर हम मांग ये कर रहे हैं कि तत्काल जाँच कराएं और जांच होते तक संबंधित डॉक्टर को निलंबित किया जाए, क्योंकि अगर संबंधित डॉक्टर पद पर रहते हुए रहेंगी तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम उनके निलंबन की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। राहुल हरितवाल, प्रदेश संयोजक, छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण। पारिवारिक मामला है तो उसके साथ दुर्व्यवहार करते उसको मारपीट की जाती है, उससे आहत होकर महिला ने लिखित शिकायत मेकाहारा में भी की है, पुलिस में भी की है, पुलिस ने उनको नोटिस दिया है, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और महिला को मजबूरी बस वहाँ से आकर के एक निजी अस्पताल में अपनी डिलीवरी करवानी पड़ी। आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण परिषद के तहत डीन जो मेकाहारा कॉलेज की मैडम हैं उनसे हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन देकर एक मांग की है कि तत्काल संबंधित डॉक्टर को निलंबित किया जाए और निष्पक्ष जाँच करवाकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि जो मेकाहारा एक प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और उसमें पूरे प्रदेश भर से पीड़ित या जो स्वास्थ्य के और बीमार लोग वहाँ पर आते हैं, वो ये एक उम्मीद और एक आशा के साथ आते हैं कि मेकाहारा में हमको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ एक अच्छा व्यवहार भी मिलेगा। आए दिन मेकाहारा से दुर्व्यवहार की खबरें, घटनाएँ बाहर आती रहती हैं, उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया और मांग की कि जल्द से जल्द इस पर लगाम रोक लगाई जाए और उसकी जांच करें। डीन मैडम को हम लोग ने ज्ञापन दिया है और उन्होंने हमारे ज्ञापन के बाद में तत्काल सभी जो संबंधित डॉक्टर हैं जिनके ऊपर आरोप है उनको ड्यूटी से हटा दिया और आगे उस पर जाँच कमेटी बैठाई गई है और जाँच करके उसको कार्रवाई करने का आश्वासन अभी हमको मिला। राहुल हरितवाल, प्रदेश संयोजक, छत्तीसगढ़ सेवा कल्याण। मैं जयपाल शर्मा, चेयरमैन मार्केट कमेटी करनाल, दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे हरियाणा के किसान भाइयों को, आढ़ती भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मार्केट कमेटी करनाल के चेयरमैन जयपाल शर्मा की ओर से सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
मार्केट कमेटी के चेयरमैन जयपाल शर्मा कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर से चेयरमैन जयपाल शर्मा की ओर से आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।